बात करते हैं हमारे इस शो के म्यूजिक जनरेशन चाहे कोई भी हो लेकिन वी हैव ग्रोन अप विद रेट्रो म्यूजिक या स्पेशली आर बी पंचमदा पंचमदा परम 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 इस सीरीज के म्यूजिक के लिए भी हमने अप्रोच वही लिया कि हम बलमंदा पंचमदा स्टाइल करें सारा शूट बहुत ही मॉडर्न है लेकिन जो म्यूजिक है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में जाता है लेकिन जब आप देखेंगे कि वो किस तरह से मैच हुआ किस तरह से मर्ज हुआ इट वॉज ऑसम कैसे सोचा आपने कि इस तरह का म्यूजिक सी मैं तो 70s के म्यूजिक के इस कहानी के लिए शुरू से खिलाफ था फिर मैं जब गाना लिख रहा था तो गाना लिखते टाइम भी मुझे लगा कि हमारी स्टोरी पूरी धोखे के बारे में और इसमें सबको मौका मिलता है कोई यूज़ करता है कोई नहीं करता है बट देन आई रियलाइज कि ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप इस म्यूजिक के साथ जा रहे आप बताइए आपने तो गाना गाया है मैंने तो जब मुझे बताया कि हम लोग रेट्रो म्यूजिक कर रहे हैं वही वैसे से तो मेरे को थोड़ा सा तो कनेक्शन नहीं आया मुझे लगा कि ये हम लोग हमारा क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है इट्स वेरी डिफरेंट वेरी कंटेम्प्रेरी है कबीर सर ने जैसे नरेट किया कि नहीं सुनिश्चित आना नहीं उसको अगर हम जो एक्सपेक्टेड अगर हम वही करने वाले हैं तो उसमें कुछ मज़ा नहीं होगा अगर हम उस पर कुछ डिफरेंट करेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा देन ही इज लाइक हमेशा यू आर सेइंग इट रियली एंड दिस वाज माय एक्सप्रेशन बिकॉज आई मीन आई कांट एक्सप्रेस कि आप अपनी ही सीरीज के लिए टाइटल ट्रैक गाते हैं तो उसकी जो खुशी होती है वो शब्दों में बयान करना बड़ा आयुष्मान सिंह इन पानी दरन पर हाँ करेक्ट सच की क्या फितरत है मौका या मौका क्या जन्नत का सपना आप कबीर सर के साथ ग्रेट सिंगर खूबसूरती से लिखा गया है मतलब राजिंदर जी मतलब थैंक यू सुपर फैबुलस व्हाटएवर The first go, I said yes. You know, something it catches. यार ये visual कहीं और है, audio कहीं और है. ये दोनों mismatch हैं. But once they come together, and if you have that art, so then it starts to merge. So it's very unique. म्यूजिक का कैसा होता है ना कि दो चीजें होती है एक एक्सपेरिमेंटेशन होता है और एक आपके बैक ऑफ द माइंड पे चलता रहता है कि ऑडियंस का एक्सेप्टेंस तो बहुत बार हम एक्सेप्टेंस के चक्कर में एक्सपेरिमेंटेशन को भूल जाते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये गाना इस महीने लॉन्च हो रहा है 27 तारीख को पंचमदा के मौके एंड इट्स अ परफेक्ट ट्रिब्यूट टू पंचमदा दिस सॉन्ग मुझे याद है कबीर ने मुझे फोन किया बोला कि यार ब्रो मैं आई एम थिंकिंग समथिंग लाइक दिस ऐसा कुछ सोच रहा हूँ मैं 70s का म्यूजिक क्या करेंगे Let's do Pancham and let's do something. इसी को I remember मैंने फोन से रिकॉर्ड करके भेजा था. अच्छा वाह. मोगा. And the breeze went to the music director. He created a fantastic track. बहुत. सुना है कि वो रेट्रो का फील है.
लेकिन सारा इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो मॉडर्नाइज्ड द मिक्स इज वेरी बट पीपल आर लाइकिंग इट आई मीन द काइंड ऑफ रिस्पांस वी आर गेटिंग आफ्टर ट्रेलर लॉन्च एक्जेक्टली अमेजिंग रिस्पांस इससे लोगों ने पूछे हैं कि इसका क्या फुल वर्जन आएगा बिल्कुल बिल्कुल वर्जन देखने को मिलेगा और 22 तारीख को आएगा आने वाला जल्दी आने वाला एक वी शुड give Kabir a name जैसे rappers को MC Stan something like give him a name K-Danger yes Danger चाह चुकी है क्या तुझे मिल पाएगा ढूंढे अगर तू मौका मिल जाएगा इश्क का जहर क्या तुझे रास आएगा बच के तू रहना धोखा हो जाएगा भरत हेलो भरत अरे कहाँ हो भाई तो वरद ये क्वेश्चन आपके लिए है कि जब आप इस म्यूजिक को क्रिएट कर रहे हैं तो क्या आपने विजुअल्स देखे और अगर आपने विजुअल देख के ये म्यूजिक क्रिएट किया तो क्या चैलेंजेस आपको बोला गया कि एक तो कंप्लीट रेट्रो टाइप म्यूजिक दीजिए तो जस्ट टेल अस अबाउट दिस जी मुझे रफ एडिट भेजा था सचिन ने जो हमारे शो के एडिटर है वो वीडियो देखने के बाद कबीर सर के साथ मेरी बात हुई थी हमारा डिस्कशन था कि क्यों ना हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखें थोड़ा रेट्रो स्टाइल का म्यूज़िक करके देखते हमारे एपिसोड्स के साथ जाता है या नहीं जाता है सो वो टाइप से मैंने कुछ थीम्स बनाना स्टार्ट किया फिर देखा कि सभी को लग रहा था कि हाँ ये टाइप का म्यूज़िक जेल हो रहा है बट वो थीम्स बनाने के लिए या वो टाइप का म्यूज़िक बनाने के लिए चैलेंजेस बहुत थे क्योंकि वो 70s 80s का जो म्यूज़िक है जिसमें ड्रम्स कॉन्गोज गिटार्स और वो एक टिपिकल टोन्स थे वो साउंड वो एरा यहाँ पे ये दौर में मुझे क्रिएट करना था वो सबसे बड़ा चैलेंज था बट समहाउ बाय गॉड्स ग्रेस वो बहुत अच्छा हुआ और सभी को पसंद भी आ रहा है वरद इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी तुमने बनाया है तो गाना और बैकग्राउंड म्यूज़िक नेचुरली डिफरेंट है बट एक सेम कैटेगरी में आता है एक सेम जोन में आता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक हर एपिसोड के फ्लो इमोशन के हिसाब से बनाना स्पेसिफिकली मौका या धोखा के लिए कितना इजी था या कितना डिफिकल्ट मैं कहूँगा ये डिफिकल्ट या इजी नहीं था बट बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि 70s 80s का म्यूजिक मुझे क्रिएट करना था जो हमारा टाइटल ट्रैक है मौका या धोखा देन कैरेक्टर थीम्स है देन बैकग्राउंड म्यूजिक है तो सारा म्यूजिक हमें एक ही फैमिली में रह के क्रिएट करना था सो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था ओके सो वरद मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका जो आंसर है बहुत ऑनेस्टी से देना पड़ेगा कि जब हमने ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया तो आपको कैसा लगा और आपकी क्या प्रतिक्रिया थी वरद सच में पता है जी मैं ऑनेस्टली बताता हूँ जब हम स्टूडियो गए थे रिकॉर्डिंग के लिए तब ना एक नर्वसनेस था मेरे में कि यार ये रिकॉर्डिंग अच्छे से होगा ना हो पाएगा नहीं हो पाएगा कैसा होगा पर जैसे ही हमारे डिस्कशंस हुए हमारी बात हुई ये गाने को लेके देन आप रिकॉर्डिंग के लिए जैसे ही माइक पे गए मैंने आवाज़ सुनी आई वाज लाइक वाओ आप एंड देन सुमंतो जी सो वो जो हमें कंप्लीट एक रेट्रो फील चाहिए था वो पूरा पूरा 100% उसे जस्टिस हुआ है आप दोनों ने बहुत अच्छा गाया एंड नॉट टू फॉरगेट रजिंदर भाई ने रजिंदर जी ने बहुत अच्छा लिखा है मैं बताना चाहूँगा उन्होंने जब लिरिक्स भेजे उसके बाद मैंने ट्यून बनाई है तो कई बार ऐसा होता है ना पहले अंडा या मुर्गी तो वो टाइप से कि पहले ट्यून या लिरिक्स तो इन्होंने जब लिरिक्स भेजे मुझे एक रफ ड्राफ्ट भेजा था उसके बाद ही मैं कंपोज कर पाया हूँ सो थैंक यू रजिंदर भाई एवरीवन द सॉन्ग इज लाइव नाउ ऑन Hungama Music प्लीज वॉच इट प्लीज लिसन टू इट एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हो जाएगा ढूंढे अगर तू मौका मिल जाएगा बच के तू रहना धोखा हो जाएगा ढूंढे अगर तू मौका मिल जाएगा